कर्ता दाता हैं श्री समीर भट्ट जी, पंकज शर्मा जी, संजय पंडिता जी, डॉक्टर अनीता शर्मा जी, श्री गयूर जी, एक जिनको मैं काफी वक्त से जानता हूं और वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करे, और खासकर इस महफिल में आज उपस्थित हर जो माताएं, हमारी बहनें और बाकी जो बड़े बैठे हैं, आप अपने अपने शोबे में माहिर हैं, मैं आपको भी नमस्कार प्रणाम करता हूं। मैं कोई स्पीच बना के नहीं आया हूं, मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हैं तो शायद मैं इतना खुल के बोलने में भी हिचक करूंगा, क्योंकि जब बड़े बैठे हों तो मैं इतना खोले बोलना मुझे थोड़ा सा बड़ा स्पष्ट रूप से बोलने में दिक्कत होगी। मगर एक चीज मैं बोलूंगा कि आपने जो शुरुआत की है, सब ये समागम किया है आप यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीरी पंत समाज, पंडित समाज का जो एक रूप सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही फाइलों से ही देखा जाता है, उसका स्वरूप बहुत बढ़ के है। मैं कुछ चीजों से आपसे शिकायत भी करूंगा कि मुझे कश्मीर जानने का, पढ़ने का, सोचने का बहुत मौका मिला, और मैं जो भी चीज बोलूंगा मैं तथ्य के आधार पर बोलूंगा। कश्मीर नीलपत पुराण से पीछे क्यों नहीं जाता है ये मुझे समझ नहीं आई। जहां वेदों की रचना हुई, और अगर आप उस चीज को ज्यादा समझना चाहते हैं तो आप बीएल राणा साहब की किताब है और साधु साहब की, एसएल साधु बीके राणा की, भवन पब्लिशर प्लेस नेम्स इन कश्मीर, उसमें, और इसका क्रेडिट ना केवल उन दो लेखकों को जाता है बल्कि बुक रिलीज की जा रही है, और मैं आपकी अब वार्तालाप करवाने जा रही हूँ इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर वीरेंद्र लंगू से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं नमस्कार करता हूँ आपके थ्रू, आपके श्रोताओं को जो भी देख रहे हैं ये चैनल। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज यहाँ पे जो बुक रिलीज की जा रही है, जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ये दो बुक्स हो रहे हैं रिलीज, कश्मीरी बुक्स है, एक है आत्मन, दूसरी है नाबद। तो दोनों बुक्स अच्छी है, लोगों को पढ़नी चाहिए, और इससे बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी कश्मीरी जो लिटरेचर है उसके बारे में, हम कैसे लिखते हैं, कितनी नॉलेज है हमारे राइटरों के पास, उन राइटरों को हम कोशिश कर रहे हैं वो एनकरेज हो जाए, ये हमारा मेन मकसद है जी। मैम ऐसा क्या खास है इन बुक्स के बारे में कि सारे जो रीडर्स हैं उनको ये बुक जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए? अरे अगर ये बुक रमेश निराश जी द्वारा लिखी गई है तो फिर तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो ये हमारे गुरुजी छोड़ते हैं, और हर चीज़ पर इन्होंने कलम आजमाई है। इनकी कलम में इतनी ताकत है कि मैं जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। मैं खुद एक समसिद इंटरनेशनल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हूँ, और 2 तारीख को मेरा स्पोर्ट्स डे है, बट चूँकि इनकी किताबों का विमोचन था तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई, और मैं अपने स्कूल के कार्यक्रम बीच में छोड़कर यहां उपस्थित हो गई हूँ। मैं लंगू साहब की मिसेज हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अनीता शर्मा है, और मैं खुद थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, लेकिन जब मैं रमेश भैया की किताबें पढ़ती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं कि जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, और ख़ासकर से ये जो कलम अपनी चलाते हैं जब डिफरेंटली एबल्ड लोग किन तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन, समाज को नई दिशा और दशा देना, अगर कोई सीख सकता है तो वो रमेश निराश जी से सीखे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मानवीय पहलुओं को बहुत बारीकी से छुआ है। हमारी जो आत्मीयता है, जो हमारे अनुभव हैं, हमारा जो हमारी जो इमोशंस हैं, वो सब आप इन गीतों के माध्यम से या गज़लों के माध्यम से आपको पढ़ने को मिलेगी, महसूस करने को मिलेगी। और मैं इतना एक लेखिका होने के नाते आजकल मैं देख रही हूँ कि लोगों ने लिखना काफ़ी छोड़ दिया है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो लोगों ने कलम चलानी थोड़ी रोक दी है, या मैं ये कहूँगी कि लोग कॉपी पेस्ट में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं। लेकिन रमेश निराश एक ऐसे लेखक हैं कि जिन्हें किसी भी कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लेखक हैं और गायक हैं वो सब इनको फॉलो करते हैं। और हमारे मिस्टर वीरेंद्र लंगू जो कल्पना कला केंद्र के ऑर्गेनाइज़र हैं, इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है इस कार्यक्रम को आयोजित
करने में, क्योंकि दोनों का ही कहीं ना कहीं कुछ दोस्तों हैं, साथ में गुरु शिष्य का भी संबंध है, तो एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं। और उसी और हमारे ये राकेश कौल जी, जो एक ज़माने में कभी डार साहब के पीए हुआ करते थे और जिनकी वजह से आज मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, ही इज़ द मेन सोर्स बिहाइंड दिस, कि ये हमेशा अपने बड़े भाई मिस्टर वीरेंद्र लंगू को हमेशा हर काम में सहयोग करते हैं और इनके लिए खड़े रहते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है मैम, कश्मीरी पंडित तो है यहाँ पे, कश्मीरी पंडितों ने जो संघर्ष किया माइग्रेशन के बाद, जब वो यहाँ आए, अपनी कलम के ताकत पर ये लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज इन्हें मुझे लगता है दुनिया सलाम करती है। इनफैक्ट मोदी जी भी आज सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए अमेरिका में जा जाके स्पीचेस दे रहे हैं, और उनके हक के लिए उन्होंने 370 को यहाँ से जो है हटाया, क्योंकि हमारी बेटियों को कहीं ना कहीं हक नहीं मिल रहा था। और इस बल पर ये यहाँ अपनी कलम की ताकत पर खड़े हैं। साथ में इन्होंने जो कहते हैं कश्मीरी पंडित बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बट यकीन मानिए मैं खुद कश्मीरी पंडित नहीं थी, मैं हरिद्वार से हूँ, लेकिन इस परिवार में आके मुझे वाकई में ये एहसास हो गया कि ये सच में इंटेलिजेंट है। और कहाँ कहाँ इन लोगों का जो सोच है, और सिर्फ यकीन मानिए सोच सिर्फ है लोगों को आगे बढ़ाना, सोच सिर्फ है कि किस तरह से जो इंसान दब चुका है या जो इंसान सामने नहीं आ रहा है उसको कैसे ऊपर लाया जाए। और जितने भी डिफरेंटली एबल लोग हैं ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर इंडिया, 3 दिसंबर को ये लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 32 इंटरनेशनल डिसेबल डे मिस्टर वीरेंद्र लंगू सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिनके इनके साथ और 3-4 संस्थाएं जुड़ी हैं ऑल ओवर इंडिया से, और बहुत ही ग्रैंड इवेंट है। और मैं तो कहूँगी, मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि इस कार्यक्रम में आएँ और हमें इस कार्यक्रम में सहयोग दें। मैम एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि ये जो बुक है, अगर कोई ऐसा रीडर है जो बुक पढ़ना चाहता है तो ये कहाँ पे अवेलेबल होगी और कब होगी? मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको जी अभिनव थिएटर में जो एक शॉप है वहाँ तो सबसे पहले पहुँचेगी, क्योंकि हर एक अच्छे महान लेखक की बुक सबसे पहले यहीं आती है, लेकिन जम्मू की जितनी भी मार्केट है मुझे लगता है सब जगह बहुत जल्दी आपको ये किताब मिलेगी, और आप कहीं से भी ये किताब खरीद सकते हैं, और अमेजोन पर भी बहुत जल्दी पहुँचने वाली है, क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, तो अमेजोन से आप खरीद सकते हैं। बाकी लंगू साहब आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूं, इमरजेंसी में किसी को जरूरत हो वो है 9419144601, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर अपने प्लांटेशन डे के बारे में भी बताइए ना। हाँ हम ये आप उसके डिटेल दे दो। जो जितने भी डिफरेंटली एबल लोग ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, 2 दिसंबर को संसद इंटरनेशनल स्कूल नियर टोल प्लाजा सरोर में, मेरा ही स्कूल है वहाँ पे, 21 जो डिफरेंटली एबल लोग हैं वो वहाँ जा रहे हैं और ट्री प्लांट कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी लोगों को ये एक संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति का विनाश आजकल हर जगह हो रहा है, लोग पेड़ काटे जा रहे हैं, मतलब कई स्टेटों से पेड़ आ रहे हैं, बनारस से, प्रयागराज से, अच्छा। तो यहाँ के भी, जम्मू कश्मीर के भी होंगे, 21 प्लांट करेंगे हम वहाँ पे ये। और जो हमारी समसिद इंटरनेशनल की जो सीईओ हैं, ये साउथ इंडियन ब्रांड है और साउथ इंडिया की कंपनी है वो, बहुत मिस इंदु शन्नो बहुत इसमें हमें हेल्प कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हर, क्योंकि वो स्पेशली बैंगलोर से इस प्लांटेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए आ रही हैं। शी इज़ ओनली कमिंग टू सपोर्ट द डिफरेंटली एबल पीपल हु दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू आर सीईओ मैम एंड मिस्टर लंगू जिन्होंने ये आयोजन किया इस कार्यक्रम का, और ये इतना बड़ा समाज के लिए एक महान योगदान देने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले से, एक बहुत बड़ी कहावत है कि जो इतिहास है वो बनते नहीं है, बनाए जाते, तो ही इज़ क्रिएटिंग दैट हिस्ट्री, सो आई रियली सैल्यूट टू हिम एंड आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क, not because he is my husband but because he is such a great personality of Jammu Kashmir, so I'm really grateful that I'm also a part of this event, thank you so much, thank you। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो है एक बुक रिलीज की जा रही है, और उसके लिए पूरा जो प्रोग्राम है वो किस तरह से यहाँ पे मनाया गया और इस बुक की क्या क्या खासियत है ये भी आपके साथ जो है अभी साझा की गई। आपके इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज के साथ। मैं हूँ इश्मीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ, धन्यवाद।